हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थ्योरम वन एंड टू प्रीवियस पार्ट में किया है। अब थ्योरम थ्री के ओर चलेंगे। थ्योरम थ्री जिसमें गिवन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो बेसिक है, जो आपको पता भी है, बट इसको प्रूव कैसे करना है इसको समझना है। और इसके बाद जो थ्योरम आपके एनसीईआरटी में गिवन है उस थ्योरम को भी कवर करेंगे। तो फर्स्टली जो बेसिक थ्योरम था 1, 2, 3, ये बेसिक है। फिर आपको जो 4 देखेंगे उसमें थ्योरम 6.1 इंक्लूड होगा, मींस एनसीईआरटी थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360। दैट मींस हियर पॉइंट बनेगा कैसे, वो पॉइंट है और ये ए, ये बी सी एंड डी, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के अराउंड सराउंडिंग, सपोज इस एंगल के यदि नेम करेंगे, नेमिंग कर देंगे, ये 1, ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4, इस तरह से 4 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। मींस ये होल पॉइंट के अराउंड से 1, 2, 3, 4 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो प्रूव करना क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स दैट इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूविंग करना है। तो आपको जो गिवन में होगा वो गिवन में क्या है, तो गिवन में है, गिवन दैट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको इतना ही गिवन है, ओनली पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन फॉर्म एंगल एंगल 2, 3, 4 एंड 5, इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ एंड फॉर्म्स द एंगल्स 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। प्रूव क्या करना है, आपको जो प्रूविंग में मीन्स प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 सॉरी फोर तक ही है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो इसमें जो आपके गिवन हमने प्रीवियस थ्योरम में यूज किया है उस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करेंगे। यू नो दैट ओ ए, यहां पर देखेंगे ओ ए लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन सी डी, इसमें लिख सकते हैं ओ ए लाइज ऑन CD। जब OA CD पर लाइज कर रहा है, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2, सो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, दैट मींस ये और ये दोनों क्या है, स्ट्रेट, ये पेयर ऑफ एंगल्स जो बना रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल से एंगल 1 एंड एंगल 2, दैट मींस एडिशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 दैट विल बी 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल से ये दोनों 180 हो गए। इसको हमने कर लिया फर्स्ट, वन इक्वेशन फर्स्ट कर लिया इसको। नेक्स्ट अगेन जस्ट करेंगे सिमिलरली ओबी लाइज अपॉन सीडी, सिमिलरली ओबी lies upon OB lies upon CD, that means angle 4 plus angle 5, so that angle 4 plus angle 3, angle 4 plus angle 3 that will be 180 degree by, इसमें भी लिखेंगे by straight line angle, straight line angle।
अब स्ट्रेट लाइन एंगल्स से ए और थ्री एंड फोर भी 180 डिग्री हो गया, इसको हमने टू लिया। अब वन एंड टू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड वन प्लस टू कर देंगे, एड वन एंड टू, एंड वन एंड टू को ऐड करेंगे, दैट मींस यहां से फाइनली आपको फाइंड आउट होगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180 प्लस 180, दैट विल बी 360 डिग्री, दैट इज प्रूफ। और यही प्रूफ भी करना था, मिस एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूफ हो गया आपका। मिस थ्योरम थी जो बेसिक थ्योरम है, मिस सम ऑफ द ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट दैट विल बी 360 डिग्री, इस मेथड से हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं।